पिछले 4 दशकों में बियर जंगलों में घूम घूम कर हमने देश में लुप्त हो रहे जानवरों पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं, पर हमारी हमेशा एक तमन्ना रही है आसमान से जंगलों के फिल्मांकन की। इसके लिए हमने चुना हॉट एयर बलून का रोमांचक और जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इन अनोखे अभियानों पर। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के थार रेगिस्तान में। यहां हवाएं रेत के विशाल टीलों को बनाती और मिटाती रहती हैं। दूर दूर तक फैले इस वीरान इलाके में हमें हॉट एयर बलून से उड़ना है और देखना है कि किस तरह यहां के लोगों और खूबसूरत जीवों ने खुद को इस कठोर वातावरण में ढाल लिया है। थार मरुस्थल का डेजर्ट नेशनल पार्क पाकिस्तानी सीमा पर लगा है और करीब 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बलून उड़ाने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। ऐसे समय में हवा शांत होती है, इसलिए सुबह के 5 बजे ही हम धानीली गांव की ओर निकल पड़े। सामान से लदी गाड़ियों के काफिले को इस रेतीले रास्ते से निकाल ले जाना आसान साबित नहीं हुआ। आज हवा शांत और मौसम ठंडा है। 77 साल के कैप्टन वासन हमें गुब्बारे में उड़ाने के लिए तैयार हैं। इस उम्र में भी उनमें नौजवानों वाली हिम्मत बरकरार है। उड़ान शुरू करने से पहले हवा का रुख जानना जरूरी है। ये सुनिश्चित करना था कि तेज हवा हमारे गुब्बारे को पाकिस्तानी सीमा की ओर या किसी वर्जित क्षेत्र में न ले जाए। हीलियम से भरे गुब्बारे ने हमें दिखाया कि आज हवा दक्षिण से उत्तर की तरफ है। डेजर्ट नेशनल पार्क में बसे 73 गांवों में लगभग 60,000 लोगों की आबादी है। पानी की बेहद कमी वाले इस बंजर इलाके में इनकी जिंदगी करीब 2 लाख पालतू पशुओं पर निर्भर है। धानेली गांव के बाहर रेत के टीले पर हमने बलून उड़ाने की तैयारी शुरू की। यहां टेलीफोन और बिजली की तारों के साथ साथ बड़े पेड़ों का कोई खतरा भी नहीं। गुब्बारे की टोकरी के ऊपर हमने एक छोटा कैमरा भी लगाया ताकि उड़ान के दौरान हमारी तस्वीरें मिल सकें। इधर हम जुटे हैं गुब्बारे को उड़ाने की तैयारी में और उधर गांव वाले अपने रोजमर्रा के काम में। बिजली और आधुनिक तकनीकी से दूर ये गांव आज भी सदियों पुराने तौर तरीकों पर चल रहा है। पंखा हल्के नायलॉन से बने 77,000 क्यूबिक फीट वाले गुब्बारे को 10-12 मिनट में ठंडी हवा से भर देगा। फिर बर्नर की लपटें गुब्बारे की हवा को गर्म करके हल्का कर देती हैं, जिससे गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। हमारा आधुनिक हॉट एयर बलून
यहाँ के गांव वालों के लिए एक अजूबा है। अब गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार है। इस छोटे से बलून में पायलट समेत 3 लोगों की जगह है। शुरू होता है थार रेगिस्तान का रोमांचक सफर। ऊपर से धानीली गांव वीरान सा दिख रहा था। गांव के सारे मवेशी दूर चरागाहों के लिए निकल चुके थे। पहली नजर में थार का रेगिस्तान बड़ा वीरान और नीरस सा लगता है, पर यहां 700 किस्म के पेड़ पौधे, 51 प्रजाति के रेंगने वाले जीव और 141 किस्म के पक्षी मिलते हैं। आश्चर्य तो ये है कि ये जीव जंतु इन कठोर परिस्थितियों और तपते तापमान में कैसे जीवित रह लेते हैं। नीचे दूर दूर तक फैला है ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसका केवल 10% हिस्सा ही रेतीला है। इसके निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि ये इलाका कभी समुद्र का हिस्सा था। कुछ का कहना है कि धरती के भीतर भौगोलिक उथल पुथल और पर्यावरण में बदलाव के कारण यहां की नदियां सूख गईं। सैटेलाइट से इस रेगिस्तान का नजारा बहुत अद्भुत दिखाई पड़ता है। इस एरिया में सबसे जो अहम चीज है इस एरिया की, वो इंडियन ग्रेट बस्टर्ड, और ये थार डेजर्ट सेंचुरी जो है वो चिंकारा जा रहा, वो जा रहा। यहाँ पे शॉट दे दिया उसने दौड़ के। तभी ठीक नीचे राजेश को नजर आया एक और चिंकारा और कैमरे में कैद हो गई सुबह की धूप में लंबी परछाई के साथ एक खूबसूरत तस्वीर। छोटे कद, गठीले बदन, घुमावदार सींग वाले चिंकारा ने रेगिस्तान के कठिन जीवन को अच्छी तरह अपना लिया है। वे कई दिन तक पानी पिए बिना जिंदा रह सकते हैं। आधा घंटा बीत चुका है। हमारी सपोर्ट टीम की निगाहें हमारे गुब्बारे पर टिकी थीं। महावीर कितने दूर हैं सुधाश्री से? और वो जैसे तैसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए हमारे पीछे आ रहे थे। टेम्परेचर ऊपर चला गया तो इसलिए थोड़ा सा बलून ट्राइंग टू गो डाउन। अचानक हवा का रुख बदला और गुब्बारा तेजी से नीचे आने लगा। ये खतरनाक हो सकता है। पायलट ने गुब्बारे को जैसे तैसे फिर से संभाला और हम बाल बाल बच गए। रेगिस्तान में सवेरा होते ही तापमान बढ़ने लगता है और ऐसे में गुब्बारे को उड़ाने में मुश्किलें आती हैं। कैप्टन ने गुब्बारे को उतारने का फैसला किया। देखते ही देखते हमारी टोकरी बड़े झटके के साथ जमीन से जा टकराई। किसी तरह हमने अपने आप को और कैमरों को संभाला। कैप्टन गुब्बारे को नीचे गिराने में जुट गए। पहले तो टचडाउन वहां किया। हाँ, पहले वहां टचडाउन किया। हाँ, यहाँ थोड़े से ड्रैग किया बास्केट। अच्छा, विंड की वजह से? एक विंड की वजह से विंड चल पड़ा। अगर विंड नहीं होती तो ऐसे स्ट्रेट खड़ा होता है आराम से, एंड कोलैप्स भी नहीं होता, सीधा ही खड़ा रहता। कितना हमने डिस्टेंस कवर किया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने 1 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट की है। अच्छा, इसके लिए एक बात है कि बैकबोन 2 होनी चाहिए। हम अच्छे समय नीचे उतर आए। दिन के चढ़ते ही यहाँ तेज रेत भरी हवाएं चलने लगी थीं। गुब्बारे से गोडावण को न देख पाने से हम कुछ निराश तो थे, पर हमारे हौसले बरकरार थे।
उसी की तलाश में हम निकल पड़े सुधा श्री के घास के मैदानों में, और साथ में है अनुभवी फॉरेस्ट गार्ड बोधराम। इसमें गुड़ावन का टाइम है अभी जोड़ा बनाने का, और कोई खास तरह की आवाज करता है रात को? जोर से हुंगार करता है, मतलब करीबन 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज सुना जाती है। आखिरकार हमने ढूंढ ही लिया एक गुड़ावन, शायद नर है। गर्व से गर्दन ऊपर किए हुए वो हमसे दूर ही जा रहा है, शायद हमसे डर रहा है। गुड़ावण खाने में मौका परस्त होता है, गेहूं, चना, बेर आदि से लेकर ये सांप, बिच्छू, गिरगिट और कीट पतंगों को भी चट कर जाता है। आज की अच्छी शुरुआत ने हमें यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में गुड़ावण की अच्छी तस्वीरें ले सकेंगे। मॉनसून आसमान पर दस्तक दे रहा है। रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन हल्की सी बारिश भी यहां की प्रकृति में रंग भर देती है। ये गुड़ावण के प्रणय का समय है। गुड़ावण के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने सुधाश्री में मवेशियों से बचाने के लिए घास के काफी बड़े क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है। यहां बारिशों में अच्छी घास उगाई है। ये देखिए, ये जो डीएनपी के एनक्लोजर्स हैं, ये बड़े बड़े अच्छे हैं। ये एक तरह से नर्सरी समझना चाहिए बस्टर्ड के ब्रीडिंग के लिए। ये सबसे अच्छा एरिया माना जाता है, और यहाँ पे कोई 20 साल पहले कोई अभी तक 10-15 बस्टर्ड देख लिए होते हैं। अभी हम लोगों ने देखे हैं, ये दो फीमेल है, मतलब मदर एंड चिक है। तो आगे वाली मदर है और वो जो है इसी साल का बच्चा, और ये जो है ये बहुत दिन तक अपने मदर के साथ रहता है, और बिल्कुल बराबर बराबर चलेगा, ऑलमोस्ट जैसे साथ साथ मिलके चलते हैं ना, जैसे बच्चा डिपेंडेंट है मदर पे। ये देखिए बिल्कुल बराबर फेंसिंग के साथ से, ये सब एडल्ट मेल लगता है ये। और ये अगर एडल्ट मेल होता तो ये इस वक्त आजकल तो डिस्प्ले कर रहे हैं ज़्यादातर एडल्ट मेल, और ये जो एडल्ट मेल है सब एडल्ट मेल को भगा देते हैं। अब देखिए उड़ गया, देखिए, और बहुत दूर तक उड़ जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी बिल्कुल कोई नर गुड़ावण मादा को लुभाने के लिए बहुत आकर्षक प्रदर्शन करता है। क्या हम इसका फिल्मांकन कर सकेंगे? इसके लिए राजेश ने वाटर होल के नजदीक एक पुरानी हाइड में दिन भर बैठने का फैसला किया। उन्हें यह भी देखना होगा कि हाइड के भीतर कोई जहरीला सांप या बिच्छू ना छिपा हो। इतनी छोटी सी जगह में पूरा दिन गुजारना काफी कठिन होगा। तीन घंटे के इंतजार के बाद प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले आया चिंकारा, फिर भट्टीतर। यहां पानी अनमोल है। भीषण गर्मी में पानी के अभाव को दूर करने के लिए वन विभाग ने पानी की अनेक हौदियां बनाई हैं। अब बारी है नेवले की। आखिर एक नर गुड़ावण भी बड़ी शान से अपनी प्यास बुझाने पहुंचा। ऊंची लंबी गर्दन और लंबे कद के कारण ये बैठकर ही पानी पीते हैं। तभी राजेश को दूर एक नर गुड़ावण अपने इलाके के ऊंचे टीले पर शानदार प्रदर्शन करता दिखाई दिया। इसमें जो मेटिंग चॉइस है वो फीमेल की है, तो फीमेल जो है वो डिफरेंट एरियाज में 5-6, 10-10 फीमेल घूमती रहती हैं, एंड दे मेट विद द पॉसिबली द बेस्ट मेल विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर द फीमेल। और उनको अट्रैक्ट करने के लिए इनकी एक
एक यहाँ पे गुलार पाउच होता है सफ़ेद सा, वो लटकने लगता है और वो टेल को वो कॉक करते हैं और उसके बाद यूँ खड़े हो जाते हैं बहुत ही, और दूर से ऐसा लगता है जैसे आदमी खड़ा हुआ है। और फिर वो कि आवाज़ निकालते हैं और वो आवाज़ ऐसे बहुत बहुत लाउड नहीं है वो, बट इट इज़ फार कैरिंग, ऑलमोस्ट एक एक किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ ऐसी होती है और बहुत दूर तक जाती है। और ये आवाज़ जो है ना, ये फीमेल को एक तो डिस्प्ले और ये आवाज़ वो अट्रैक्ट करती है। शाम की सुनहरी रोशनी में किसी राजकुमार जैसे चमकते इस नर गोडावण की प्रेम पुकार सुन ली गई है। दो मादाएं उसकी तरफ खींची चली आई हैं। अब वो बड़ी शान से उनके पीछे चल पड़ा है। राजेश के लिए आज का दिन बड़ा शानदार रहा। मरुस्थल में बारिश की सौगात बहुत कम दिनों के लिए आती है। गिलहरी जैसे दिखने वाले इन गैब्रियल चूहों के लिए तो जैसे दावत का मौसम आ गया है। ठंड के मौसम में चार महीने तक जमीन के अंदर हाइबरनेशन में रहने वाले स्पाइनी टेल लिजर्ड यानी सांडा कभी पानी नहीं पीते। हरी पत्तियों के खाने से ही इनकी पानी की जरूरत पूरी हो जाती है। आसमान में मंडराते बाज की नजर सांडे पर पड़ चुकी है, लेकिन अपने चौकन्नेपन के कारण इस बार वो बच गया। इस दो मुहे सांप यानी सैंड बोआ ने एक सांडा को कुंडली में धर दबोचा। इस छोटे से जीव को दम घोंट कर मारने और पूरी तरह निगलने की फिल्म बनाने के लिए हमें एक घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। पालतू जानवर भी यहाँ के पर्यावरण और भोजन क्रम का अहम हिस्सा हैं, लेकिन उनकी तादाद बेहिसाब बढ़ने के कारण प्राकृतिक भोजन क्रम का संतुलन बिगड़ रहा है। जानवरों का गोबर यहाँ के गोबरेलों यानी डंग बीटल को भरपूर खाना उपलब्ध कराता है। गोबरेलों के लिए ये एक बेशकीमती चीज है। इसे बचाने के लिए लुटेरों से जूझना भी पड़ता है। वे गोबर का एक गोला बना लेते हैं और फिर नर और मादा मिलकर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। गोबरेलों की फौज इस रेगिस्तान में सफाई कर्मचारियों जैसी है जो पर्यावरण को साफ रखती है और जमीन की उर्वरता को बढ़ाती है। गोबर के गोले को गोबरेले नर्म जमीन में दबा देते हैं, जो एक तरफ तो कमी वाले दिनों में भोजन के काम आता है, दूसरी तरफ जमीन के अंदर जन्म लेने वाले उनके बच्चों का आश्रय बनता है। गोडावन तो बहुत ही इंडेंजर्ड इसलिए हो गया है कि एक तो घास के मैदान ख़त्म हो गए हैं और कोई ध्यान नहीं है, उसकी पोचिंग बहुत होती है और होती थी, जहाँ जहाँ बस्टर्ड जहाँ जहाँ गाड़ी चली गई वहाँ बस्टर्ड ख़त्म हो गए। ऊंट पर सवार होकर हम निकल पड़े ऊंची घास वाले मैदानों में गोडावन के अंडे की तलाश में। गोडावन एक बार में सिर्फ एक अंडा देते हैं। वो वहां पड़ा है, गोडावन का अंडा बिल्कुल खुली जगह पर जैसे कोई पत्थर पड़ा हो। अंडे को शिकारियों से बचाने में उसका रंग बड़ा कारगर साबित होता है। 45 दिन में अंडे से चूजा निकलता है। रेगिस्तान की ये चतुर लोमड़ी
हमेशा ऐसे ही मौकों की फिराक में रहती है। अंडों को ज्यादा खतरा सफेद गिद्धों से है जो अपनी पैनी निगाहों से अंडे को ढूंढ सकते हैं। गुड़ावण के अंडे का एक और खतरनाक दुश्मन है गोह। ये तो अंडे के काफी करीब पहुंच गई है। मादा गुड़ावण गोह का ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। अरे, गोह अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तरफ निकल गई। गुड़ावण के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, उसका अंडा बच गया, लेकिन उसका भविष्य अब भी खतरे में है। यह हम जानते हैं कि हर साल इसकी संख्या कम होती चली जा रही है और कुछ सेंचुरी जैसे करेरा बस्टर्ड सेंचुरी मध्य प्रदेश में वहां से लुप्त हो गया। घाटी गांव में 2-3 रह गए हैं, वो भी मध्य प्रदेश में। सोरसन बस्टर्ड सेंचुरी बनाई थी बस्टर्ड के लिए, वहां से बस्टर्ड खत्म हो गया। तो हर जगह से खत्म हो गया ये। तो राजस्थान के इस बीहड़ इलाके में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर असद रहमानी और उनकी टीम पिछले 20 साल से गुड़ावण को बचाने की मुहिम में जुटी है। नमस्ते, कैसे हैं? ये देखिए, ये वाला, ये राजस्थान की क्या शान है। देखिए, गांव गांव में घूमकर वे स्थानीय लोगों को गुड़ावण के महत्व के बारे में बताते हैं। गुड़ावण को बचाने की उनकी मुहिम सिर्फ पक्षी की एक प्रजाति को बचाने की नहीं है। गुड़ावण हमारे पर्यावरण संतुलन की एक कड़ी है। गुड़ावण तभी बचेंगे जब घास के मैदान बचेंगे। घास के मैदानों में ही दूसरे जीवों का आसरा भी है और हमारा जीवन भी उस पर आश्रित है। हम समझ लीजिए कोई 20 साल से हम लोग गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों का प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसी तरह से प्रोजेक्ट बस्टर्ड हो, कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने सेंचुरी बना दी और छोड़ दिया। तो प्रोजेक्ट बस्टर्ड जो है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड हम लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ बस्टर्ड बचाएंगे, सारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम बचेगा और बस्टर्ड को भी फायदा होगा, गांव वालों को भी फायदा होगा। ये तो बहुत कम है, ये तो हो सकता है 300 से 500 के पूरे दुनिया में हो। और अगर बस्टर्ड को अभी नहीं बचाया तो हो सकता है 5-10 साल में बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे या इतने रेयर हो जाएंगे कि फिर उनको बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। घास के मैदान में किसी शहंशाह की तरह विचरते इस गुड़ावण का भविष्य अब हमारे हाथ में है और इसे बचाने का समय निकलता जा रहा है। ये मानव जाति पर एक कलंक होगा अगर हम इस शानदार पक्षी को लुप्त होने से न बचा सके। तैयार रहिए अगले हफ्ते बेदी बंधुओं के साथ एक और दिलचस्प सफर के लिए।